नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्ज मुक्ति के विषय में। दोस्तों, कर्जा जिसके जीवन में एक बार आ जाता है, जाने का नाम नहीं लेता। आज की वीडियो में मैं आपको कर्ज मुक्ति के कुछ बिल्कुल सटीक उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ किस दिन आपको कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, किन तारीखों में कर्ज लेकर के आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे, इस विषय में चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, शनिवार और मंगलवार के दिन व्यक्ति को कर्ज बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को लिया हुआ कर्ज बहुत देर से उतरता है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें व्यक्ति को आ। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यह चार स्थिर लग्न होते हैं। स्थिर लग्नों में व्यक्ति को बिल्कुल भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह कर्जा हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। साथियों, 8 तारीख को, 17 तारीख को और 26 तारीख को भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका मूलांक 8 होता है, जो शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इन तारीखों में लिया हुआ कर्जा भी अक्षय हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के कुछ सटीक एवं ठोस उपायों के बारे में। यदि आप कर्ज लेकर के बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, आपको चारों दिशाओं से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन एक साबुत पान में लौंग, इलायची रखकर उसका बीड़ा बनाकर देवी माँ के किसी सिद्ध मंदिर में उसको अर्पित करें और देवी माँ का कोई भी बीज मंत्र जाप करते हुए महामाया से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा 5 शुक्रवार तक करने से आपको कर्जा उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। नंबर 2, साथियों, कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाने पर आपको शुक्रवार के ही दिन एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग रख करके उसको जल प्रवाह कर दें और जल प्रवाह करते समय यह कामना करें, जिस प्रकार पानी में यह पान का पत्ता बह गया उसी प्रकार मेरा कर्ज भी बह जाए, तो भगवान आपके ऊपर निश्चित रूप से कृपा करेंगे। साथियों, बस 2 छोटे छोटे उपाय और बताऊँगा, आपकी सुविधा के अनुसार आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, वही आपको लाभ प्रदान करेगा। आप सोमवार के दिन शाम के समय बिल्व पत्र के नीचे शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं, महालक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते हुए महालक्ष्मी जी के नाम से। शाम के समय बिल्व पत्र के नीचे देवी महालक्ष्मी का निवास रहता है, ऐसा बिल्व वृक्ष को वरदान है, तो ऐसा करने से भी 5 सोमवार में ही निश्चित रूप से आप कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हुए स्वयं को पाएंगे। इससे अलग भी आप शुक्रवार का व्रत करें, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करें, शुक्रवार के दिन देवी के बीज मंत्रों का जाप करें। और दोस्तों, अब सबसे सटीक उपाय कर्ज मुक्ति के लिए, अपने घर में 51, 21 या 31 या 108, जैसा भी आपको टाइम हो, श्री सूक्त के पाठ करने से व्यक्ति हमेशा के लिए कर्ज से मुक्त हो जाता है, कर्ज उसके जीवन में नहीं रहता। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य।